गुड मॉर्निंग क्लास, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इन कोवेलेंट बॉन्ड. ओके स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू सी द इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इन कोवेलेंट बॉन्ड, स्पेसिफिकली कॉल्ड एज इंडक्टिव इफेक्ट. स्टूडेंट्स, हमने देखा कि कैसे कोई भी ऑर्गेनिक रिएक्शन है, उसकी बेसिक जो प्रिंसिपल्स हैं, या अगर हम बात करते हैं कोई ऑर्गेनिक रिएक्शन किस वे में ऑकर होता है, तो हमने उसके लिए देखा था कि कोई भी एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है जिसे हम रिएक्टेंट समझ सकते हैं, इसके ऊपर कोई एक अटैकिंग रिएजेंट अटैक करता है. ठीक है, उसके बाद एक इंटरमीडिएट स्टेट का फॉर्मेशन होता है, और इस इंटरमीडिएट स्टेट के बाद फर्दर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है. ओके सो स्टूडेंट्स, इस पूरे प्रोसेस में हमने समझा कि किस तरीके से जो एक सीक्वेंशियल अकाउंट है स्टेप्स का वो होता है. ठीक है, और इसमें स्पेसिफिकली जो इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट होती है, ठीक है, जो बॉन्ड का क्लीवेज हो रहा है या बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, और जो रेट है ट्रांसफॉर्मेशन का रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में, उसे ही हम रिएक्शन मैकेनिज्म कहते हैं. अब रिएक्शन मैकेनिज्म में गो थ्रू होने से पहले कुछ टर्म्स हैं जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं. ओके, और ये बेसिकली सबसे पहले अगर हम पढ़ते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट्स हैं इन कोवेलेंट बॉन्ड्स में. ठीक है, जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट हो रहा है कोवेलेंट बॉन्ड में, जिसको कि हम इंडक्टिव इफेक्ट कह रहे हैं. ये कई टाइप के होंगे, यहाँ इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट देखने को मिलेगा, रेजोनेंस देखने को मिलेगा. तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अबाउट इंडक्टिव इफेक्ट. सो स्टूडेंट्स, लेट अस सी व्हाट इज़ इंडक्टिव इफेक्ट. स्टूडेंट्स, अगर आपको इंडक्टिव इफेक्ट समझना है तो सबसे पहले आप एक चीज़ समझिए. अगर कार्बन की चेन है, सपोज हमने 1, 2, 3 कार्बन की चेन ली है, और इस कार्बन के साथ कोई ए ग्रुप जुड़ा हुआ है. ठीक है, ये ए ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग भी हो सकता है. स्टूडेंट सपोज करिए, ये जो ए ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है. इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप का मतलब कि ये इससे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, कार्बन से ज़्यादा वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर विथड्रॉ करेगा. तो अगर ये ए सी एल अगर हम अज्यूम कर लेते हैं, सी एल ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा. जब ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा तो सी एल पे एक निगेटिव चार्ज आएगा, पार्शियल निगेटिव, और इस कार्बन एटम पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा. ठीक है स्टूडेंट्स, अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अगर हम इसको सी वन मान रहे हैं, इसे सी टू मान रहे हैं, इसको सी थ्री मान रहे हैं, अगेन जो सी वन सी टू के बॉन्ड्स हैं, ठीक है, उसके जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन है वो सी वन की तरफ मूव करेंगे. इसकी वजह से जो सी टू है उस पर भी एक पॉजिटिव चार्ज आएगा. ये जो पॉजिटिव चार्ज आएगा ये स्मॉलर होगा देन सी वन, ये सी वन से भी स्मॉलर होगा. नाउ स्टूडेंट्स, अगेन आप देखेंगे कि सी टू सी थ्री के भी जो सिग्मा बॉन्ड है वो अट्रैक्ट होंगे टुवर्ड सी टू. ठीक है, फिर जो सी थ्री है उस पर भी पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा, ये पॉजिटिव चार्ज सी टू के कंपैरिजन में भी और लेस होगा. ठीक है, तो इस तरीके से जब आप स्टूडेंट्स देख रहे हैं कैसे सिग्मा इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ, और ये पूरे चेन में, ठीक है, पूरे चेन में क्या कर दे रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स का डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं, और आप उसमें भी देख पा रहे हैं कि चार्जेस का जनरेशन हो रहा है. तो इस तरह का जो डिस्प्लेसमेंट होता है, दिस टाइप ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन अलॉन्ग अ सैचुरेटेड कार्बन चेन, जब सैचुरेटेड कार्बन चेन में, मतलब जहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, इस तरीके का डिस्प्लेसमेंट होता है सिग्मा इलेक्ट्रॉन का, किसकी वजह से, उसमें कोई इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगे या कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे, जो कि कार्बन चेन के एंड में लगा हुआ है, उसे हम क्या कहते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज इंडक्टिव इफेक्ट. तो उस फेनोमिना को हम क्या कहते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट. ओके स्टूडेंट्स, इसे ही हम आई इफेक्ट भी कहते हैं. ठीक है, इसे ही हम एक और नाम देते हैं, दैट इज़ आई इफेक्ट. अब स्टूडेंट्स यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर जो सब्स्टिट्यूएंट है कार्बन चेन के एंड में वो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग है, जैसे कि अगर ये कार्बन चेन है और यहाँ पे ये ए सब्स्टिट्यूएंट है जो कि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, तो इसे हम स्टूडेंट्स कहते हैं माइनस आई इफेक्ट. ये हमारा कहलाता है माइनस आई इफेक्ट. और अगर ये सब्स्टिट्यूएंट हमारा ऐसा है जो कि कार्बन चेन के एंड में लगा हुआ है, ये ए सब्स्टिट्यूएंट है जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, जब ये डोनेटिंग ग्रुप है उस केस में हम इसे कहते हैं प्लस आई इफेक्ट. ओके,
तब जो इफेक्ट होगा सिग्मा इलेक्ट्रॉन के डिस्प्लेसमेंट जो होगी उसे हम कहते हैं प्लस आई इफेक्ट। स्टूडेंट्स, वन थिंग दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट के लिए एक चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है कि इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो एक परमानेंट इफेक्ट है, ठीक है, जो कि हम कह सकते हैं कि हमेशा परमानेंट रहता है किसी भी कार्बन की चेन में। अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं स्टूडेंट्स की, जिसमें हम देख पाएंगे कि ये हमें प्लस आई या माइनस आई कैसे देखने को मिल रहा है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एग्जांपल, यहाँ पे जो कार्बन चेन आपको देखने को मिल रही है, इस कार्बन चेन में हैलोजन एटम लगा हुआ है। तो हैलोजन जो होता है स्टूडेंट, हैलोजन जो होते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। जनरली भी आप देख सकते हैं कार्बन के कंपैरिजन में क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो ये जो बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन है, ये जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन है, जो हैलोजन है वो अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। तो हैलोजन जब इन इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, हैलोजन पे निगेटिव चार्ज आएगा, पार्शियल निगेटिव, और कार्बन एटम पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा। और जैसा कि हमने कहा, सेम प्रोसेस C1, C2, C2, C3 के बीच में भी देखने को मिलेगा। फिर ये जो C1 और C2 के सिग्मा बॉन्डेड जो इलेक्ट्रॉन है, ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स C1 की तरफ अट्रैक्ट होंगे, फिर C1 पे एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आपने देखा था कि था। तो जब C1 पे पार्शियल पॉजिटिव था, तो इस C2 पे डबल पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ऑकर करेगा। फिर ऐसे ही C2, C3 बॉन्ड के बीच में जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन है, वो सिग्मा इलेक्ट्रॉन भी चूंकि C की तरफ आएंगे, तो इस पर और लेसर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स, जो आपको याद रखने की चीज़ है वो ये है कि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप कौन कौन से हैं। तो अगर कार्बन चेन में नाइट्रो ग्रुप लगा हो, साइनो ग्रुप लगा हुआ हो, कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हुआ हो, या कोई भी हैलोजन हो, और अगर हैलोजन की ऑर्डर की बात करते हैं तो फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, ये ऑर्डर होना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने कहा, अगर हम बात करते हैं प्लस आई इफेक्ट की, तो प्लस आई इफेक्ट में आप देख पाएंगे कि जो सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड है कार्बन चेन में, ठीक है, वो कैसा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर का। वो क्या करेगा, उस कार्बन चेन को इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है, या आप कह सकते हैं कि जो कार्बन चेन है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होगी इन कंपेरिजन टू द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अब ये जो भी डोनेटिंग ग्रुप है, जैसे कि आप अगर यहाँ एग्जांपल देख पा रहे हैं, तो आपको यहाँ कार्बन चेन दिख रही है और यहाँ पे ये मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। तो मिथाइल ग्रुप डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन टू द कार्बन। तो ये जो C1 कार्बन है, चूँकि इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, तो इस कार्बन पे निगेटिव चार्ज जनरेट होगा, पार्शियल निगेटिव। अगेन C1, C2 के केस में भी यही होगा, C2 जो होगा इन इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, तो C2 पे डबल पार्शियल निगेटिव चार्ज जनरेट होगा। और अगेन C2, C3 में आप देख पाएंगे कि C3 में भी एक और निगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा, दैट इज़ पार्शियल निगेटिव, ठीक है। तो इस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप चेन में लग रही है, तो वो क्या कर दे रहा है, कार्बन के ऊपर पार्शियल निगेटिव चार्ज का जनरेशन कर रहा है, ठीक है। और इस इफेक्ट को हम क्या कहते हैं, प्लस आई इफेक्ट, ठीक है। अब स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि ऐसे कौन से ग्रुप हैं जो प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं। तो अगर हम बात करते हैं प्लस आई इफेक्ट की, तो आप देख सकते हैं टर्शरी ब्यूटिल ग्रुप हो जाए, टर्शरी ब्यूटिल, आप इसको ऐसे अज्यूम करिए, अगर कोई ऐसा ग्रुप है, ये हो जाएगा हमारा टर्शरी ब्यूटिल ग्रुप, ठीक है, ये, या फिर हो सकता है ये आइसोप्रोपिल ग्रुप। आइसोप्रोपिल मतलब स्टूडेंट्स, वेट, आइसोप्रोपिल कुछ ऐसा ग्रुप है, CH, और यहाँ पे रिप्लेसमेंट, इधर CH3, इधर CH3, आइसोप्रोपिल ग्रुप हो सकता है। इट मे बी इथाइल ग्रुप, ये इथाइल ग्रुप भी हो सकता है स्टूडेंट्स, आप इसको CH3 मानिए, ये CH2 और यहाँ पे रिप्लेसमेंट, या ये मिथाइल ग्रुप भी हो सकता है स्टूडेंट्स, सीधे हम इसको CH3 मान लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम समझते हैं कि कैसे इंडक्टिव इफेक्ट हमें देखने को मिलता है, और प्रोबेबली ये दो ही तरह का होता है, एक प्लस आई और एक माइनस आई, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट की। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करते हैं कुछ इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल की, तो वो भी हम लोग न्यूमेरिकल इन द सेंस इससे रिलेटेड क्वेश्चंस की, तो वो भी हम लोग नेक्स्ट टर्न पे बात करेंगे इससे रिलेटेड कि किसमें इंडक्टिव इफेक्ट का क्या ऑर्डर देखने को मिल रहा है। ओके, थैंक यू क्लास।